सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एपेक्स लेजेंड मोबाइल, जो कि एक बैटल गेम है, जो बेसिकली पीसी के लिए था, पर अभी वो मोबाइल में आ चुका है, मोबाइल में लॉन्च हो चुका है। तो उसी को अपन खेलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेम एज बैटल गेम्स की तरह है, जैसे BGMI को देख लो। और इसमें एक डिफरेंट थिंग है, वो इसमें है अलग अलग कैरेक्टर, ठीक है। तो अलग अलग कैरेक्टर के पास है अलग अलग एबिलिटी। गाइस, जो मैंने कैरेक्टर लिया उसका नाम है मिरेज। तो इसकी एबिलिटी ये है कि ये होलोग्राम का हैक यूज़ करता है, जैसे कि अगर कोई बंदा मार रहा है तो ये अपना एक होलोग्राम वहाँ पर छोड़ देगा और खुद निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एबिलिटी है। और इसकी जो सुपर एबिलिटी है ना, वो तो तगड़ी है कि एक जगह रहते हुए ये अपने 10 रूप में कन्वर्ट कर देता है, एकदम औसम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमको क्या करना है, जंप करना है, जैसे कि BGMI वगैरह में प्लेन उड़ता है, ऐसे भी इसमें एक स्पेसशिप है। तो ये देखो मार्क लगा दिया, इसमें पैराशूट नहीं होते बस गाइस, इसमें अपन को मिल जाते हैं जेट पैक्स, जो आप देख सकते हैं पीछे। और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि बता दूँ जेट पैक के, अगर आप हाई ऊंचाई से कूदते हो, ठीक है, मतलब ऊंची जगह से कूदते हो, तो आपका क्या होगा, जो जेट पैक का यूज़ है ना, उससे आप गिरोगे नहीं, आपकी हेल्थ डाउन नहीं होती, ठीक है। तो आपको ऐसे लूट मिल जाएगी, तो ऐसे आपको कुछ कंटेनर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे सप्लाई रहती है। तो ये मिली है शॉर्ट गन, ठीक है। और भी मैं कंटेनर ढूंढ रहा हूँ, पहले उधर फाइट भी चल रही है, चलो पहले ले लेते हैं अपन गन वगैरह ले लें, तभी तो बंदों को मारेंगे, ठीक है। तो कुछ आपको इस तरह से गन मिल जाएगी। उसके बाद ये SMG भी रहती है, बस इसमें थोड़े वो कहते हैं ना, वो क्योंकि इसके ग्राफिक्स थोड़े हाई लेवल के हैं, PC वाले ग्राफिक्स हैं, तो इसमें गन वगैरह का टाइप भी वैसे ही है। BGMI वगैरह जो वो तो बेसिक ग्राफिक वाला है, बेसिक मतलब ईजिली अंडरस्टैंड हो जाता है, पर इसमें थोड़ा हार्ड है। तो अभी अपन मारते हैं हार्ड ठीक है। और भाई कूद के भाग रहा है, रुक रुक कहाँ गई, ले बेटा ये एक नॉक, 100% डैमेज, ठीक है। तो गाइस, उसके बाद आपके पास एक केस शील्ड का मौका मिल जाता है। तो इससे क्या होगा, जब तक आपके टीममेट आ रहे हैं, ठीक है, अब इधर कवर आप इधर बना नहीं सकते, इतने खुले में हैं आप, तो आपको एक शील्ड मिल जाती है, तो आप उस शील्ड का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो ये मिल गई गाइस मेरे को स्नाइपर। वो तो ये बंदा भाग रहा था, मारो साले को, कहाँ रे, फेल दिया, नहीं फेला, क्या रे फेला नहीं। अरे गाइस ये बेटा है, पता है, देखो हाँ ये बेटा हुआ था, नहीं बेटा नहीं था, पता नहीं क्या कर रहा था यार, इसके पास सील नहीं थी शायद। अभी अपन इसकी पेटी लूट लेते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग दिख जाएंगे, जैसे कि जो डार्क ब्लू थी वो थी स्नाइपर की एमओ, जो रेड है वो शॉर्ट गन की, कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग गन की अलग अलग एमओ है, वो आप कलर से देख सकते हैं, क्योंकि मेरे में इसमें ग्रीन कलर की गन है और ग्रीन कलर की एमओ लेगा वो, ऐसे मीन्स कलर वाइज आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद मैं अभी गन के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, कौन कौन सी मीन्स बेटर गन है, वैसे तो मैंने चलाई है, इसमें SMG होती है, ठीक है, कुछ मशीन गन होती है। मशीन गन का रिकॉल बहुत हार्ड है, मैं इसका जो क्या बोलते हैं TDM खेला है गाइस, मैं उसकी वीडियो डालने वाला हूँ जल्दी, एक दो दिन में उसकी वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो उसके जो TDM वगैरह खेले हैं उसका भी देखा, अरे जब मत कर भाई मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। तो गाइस यही थी वो लाइट मशीन गन, नहीं ये नहीं थी भाई, ये स्नाइपर आर्ट सार, स्नाइपर नहीं है, अरे चेंज हो गई, हाँ। तो गाइस ये दोनों है AR गन, ठीक है, ये रही बस्ट, ठीक है, और जो ये अभी जो हाथ में है वो है बस्ट, और जो राइट में है वो है AR मीन्स ऑटोमेटिक कंटिन्यू चलने वाली, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बंदूक ढूंढने, ये रहा एक बंदा। वो गाइस इसका जो है ना वो चीज़ है कि अगर आप एम आपका बेटर करना चाहो, मीन्स आपको इसे खेलने के लिए आपका एम बहुत बेटर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका आप देखो एम पॉइंट है ना वो बहुत बारीक है, वो सीधा हेड लगेगा, ठीक है। अगर वो हेड पे कनेक्ट होता है तो बंदा बहुत जल्दी नॉक हो जाता है। और आपको बता दूँ इसमें आपको ऐसे रोप देखने को मिल जाएगी, तो आपको इसे यूज़ करने के लिए दो बार आपका जंप का बटन दबा देना है, ठीक है, तो आप उसे यूज़ कर लोगे। उसके बाद देख सकते हो पीछे से फायर आ रहा है, इसमें फायर का बटन के फायर का कैसे दिखता है, ये आप साइड में देख सकते हो, बिल्कुल बारीक चीज़ दिखती है, चला बस ये आ रहा है, कोई नोक नहीं हुआ, रुक जा बेटा, इसे नीचे चल के मारेंगे आज, हट जा, नोक हो गया, चलो यहीं से नोक हो गया, नीचे ही और नीचे चलो। तो गाइस ये नोक हो गया, तो वो देखो गाइस इस बंदे को, ये गाइस इसकी सुपर पावर यूज़ करेगा अभी बता, तो ये रहा। तो गाइस ये सेम टू सेम मेरा ही वो वाला है, जो मेरा
कैरेक्टर है ना वही सामने कैरेक्टर था, तो आपने देखा ना वो 1 से 10 हो गए, वही थी उसकी सुपर पावर। ठीक है, तो ये 1 से 8 या 10 के समथिंग अपने रूप बना लेता है, वो उसकी सही चीज़ होती है। जैसे कि अभी वो फंस गया था, ठीक है, एक बंदा अटैक कर रहा था तो ऐसा था। तो अभी हम आ गए थोड़ा आगे, अब हम ढूंढते हैं बंदे। अरे भाई ये गाइस, ये और अलग अलग सुपर पावर होती हैं। ये एक लड़की है, ठीक है, उसके पास ये स्मोक की पावर होती है कि वो स्मोक फेंक दे, ठीक है। अरे ये और तगड़ी पावर होती है गाइस, जिसको अभी मैं मार रहा था ना, वो ऐसी है, उसको क्या करना होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। अगर आपने बड़े बड़े यूट्यूबर जो पीसी वाले हैं उनके में देखा होगा कि वो एक अंधेरा सा आता है, उसमें से वो गायब हो जाती है, ठीक है, वही होती है, वो आर पार हो जाती है एकदम से। ये रही गाइस, अरे रुक जा बेटा, तुझे बता रुक जा, इसकी ए खत्म, स्क्वाड डेड, कोई नहीं बचेगा आज तो। और भी बंदे हैं क्या? अभी पहले पेटी लूट ले अपन, फिर देखें। हाँ तो गाइस और ढूंढते हैं बंदे, अभी पहले पेटी लूट लें फिर निकलते हैं अपन। तो गाइस अभी हमें एक दूर बंदा दिखाए, तो अभी मुझे रोप के साथ जाना पड़ेगा। देखा तो आप देखो, दो बार जंप दबाओगे तो ये रोप है ऐसे राइड करने लगा। और अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो एक बार जंप दबाओ और अपना जो पूरा स्क्रीन है ना इस फेस अपोजिट डायरेक्शन कर दो तो वो अपोजिट में चला जाएगा। तो यहीं कहीं बंदा था, वो भाग रहा है सामने, देखो रुक जाओ अभी उसे पीछा करते हैं। यार मैं भी कहाँ भाग रहा हूँ, अरे कूदना, मैं सोच रहा हूँ आसपास बंदा है, नहीं है वो ही है यार, निकल ना जाए यहाँ से। चल भाई जल्दी चल, ये स्लाइड करता है, ठीक है, ये स्लाइड का फीचर है, आपको आपकी जो स्टिक आई करना है और ये क्राउच वाला बटन दबा देना है तो आपको बंदा स्लाइड करेगा। उसके साथ इसके पास सुपर पावर थी जंप वाली, तो उसने पर बटन नॉक तो हमें नहीं लगा। अरे अरे उधर नॉक, फिर बच गए नॉक होने से। हाँ इधर भी पीछे बन रहा है, इसे ही फेल देते। हाँ भाई, अरे यार, तो गाइस ये वो ही है। तो गाइस इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास ऐसे गन है, ठीक है, और अगर आप बंदे को मारना चाहते हैं ना, तो आप ना दोनों गन लोडेड रखें। तो अगर आप एक ही टाइम पे रीलोड करोगे ना तो उसमें बहुत टाइम जाता है इसमें रीलोड होने में, तो उस टाइम पे आप क्या करें, आप गन को स्विच कर लें। तो इसमें एक फ़ायदा होता है कि आपके पास मिलती है सील सेल्स, ठीक है, वो सील चार्जिंग। ये क्या करते हैं, ये आपकी जो ये देख रहे हो ना आप पिंक पिंक सी वायलेट कलर में, वो होती है मेरी सील्ड की पावर, में जो मेरा वेस्ट है ना उसकी पावर होती है, तो वो मेरे को क्या बचाती है, वो मेरे को डैमेज से बचाती है, ठीक है। और ये गाइस अलग अलग कैरेक्टर की अलग अलग पावर थी, तो ये देख रहे हो आप, तो उसने एक सर्कल बना लिया, तो इसके अंदर मैं उसे डैमेज नहीं दे सकता और गाइस वो अंदर से नहीं मार सकता, ठीक है, पर वो सुरक्षित रहेगा उसमें। तो ये अभी मारते हैं बंदूक को, कहाँ गया अभी, कहाँ भग गया, कहाँ गया वो, हाँ यार मर जा। तो ये हो गया नॉक, इसका आखिरी बंदा कहाँ है। तो गाइस आखिरी बंदा भी मार दी, यू आर द न्यू किल लीडर, अरे सही है। तो गाइस अभी मेरे हो चुके हैं नो किल और दो असिस्ट हैं, और अभी 4 स्क्वाड बाकी हैं, मतलब 12 बंदे, हाँ तीन तीन के बंदे आते हैं इसमें, ठीक है, तीन तीन की स्क्वाड बनती है, तीनों को 12 ऐसा बनता है, ठीक है। तो आप भी अलग अलग गन के साथ अलग अलग एमओ यूज करके अलग अलग चीज देख सकते हो, तो आपको ऐसे फायर का वो दिख जाएगा कहाँ से गोली चल लेंगे। भाई यार ये भी और बंदे कहाँ हैं यार, और यहीं कहीं तो था, ये रावी भी है कुछ, ये रहा पूरी में ढूंढी ना, कोई तो था आसपास। ये किल मत चुरा भाई, चुरा लिया भाई, ये किल बहुत चोरी कर लेते हैं इसमें, पर कोई नहीं, अपन ने दिख जाता है असिस्ट, कितने असिस्ट हो गए अपने, मज़ा आता है गाइस खेलने में। इसके ग्राफिक्स वगैरह बहुत तगड़े हैं, ऑसम लेवल का, ठीक है, मीन्स कंट्रोल भी बहुत तगड़े हैं। जैसे कि मैं पीसी में देखता रहता था तो मुझे बड़ा मन करता था कि यार ऐसे हाई गेम वगैरह आने चाहिए, ठीक है, हाई मैं बहुत ऐसे, क्योंकि मैं अभी मोबाइल बढ़िया है तो मैं ढूंढता हूँ कि अच्छे जो पीसी लेवल वाले गेम है ना वो मिले। तो गाइस जैसे कि एपेक्स बीजीएमआई तो बहुत खेला, पर उसके जो फीचर्स है ना वो तगड़े नहीं लगते, मीन्स नॉर्मल गेम लगता है पर इतना तगड़ा नहीं लगता आप खेल खेल के, ठीक है, इसका थोड़ा पीसी वाली फीलिंग देता है ये। ये देखो गाइस, ये साला वो था होलोग्रामिक था इसलिए वो मरा नहीं, ऐसे ढूंढने पड़ जाते हैं। अरे काम गए, अरे मर जा बे, अरे मर जा, मरा ही नहीं यार, कितनी गोली मारी तब भी नहीं मरा। कोई नहीं गाइस, आगे चलते हैं और बंदे मिलेंगे, किल मारेंगे।
नीचे मारूंगी नीचे देखो ये वही था गाइस, ये भी मेरा सेम टू सेम है, वो मैंने यूज ही नहीं किया सुपर पावर है। लास्ट स्क्वाड भी एलिमिनेट और हम हो गए चैंपियन। तो रैंक पॉइंट मिले हमें 221, 12 किल, 3 असिस्ट, प्लेसमेंट 1 डे, फर्स्ट बेन उसके पॉइंट मिले। तो गाइस इसी के साथ होता है ये हमारा पहला मैच। अब इसमें चिकन डिनर दोनों ही चैंपियन बन जाते हैं, तो ये हो गया हमारा पहला मैच खत्म। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं दे देता हूँ अब इसकी जाके फीडबैक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सब्सक्राइब करना ना भूलें।